Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC. तो हम जानेंगे अटलांटिक मेरिडोनियल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन के बारे में कि ये सर्कुलेशन है क्या। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी द अटलांटिक ओशियन करेंट सिस्टम AMOC एंड इंजिन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर क्लाइमेट कुड बी वीकनिंग टू सच एन एक्सटेंट दैट इट कुड सून ब्रिंग बिग चेंजेस टू द वर्ल्ड वेदर। जो एक रिसेंट स्टडी किया गया उसके अनुसार जो अटलांटिक ओशियन करेंट सिस्टम है AMOC अटलांटिक मेरिडोनियल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन जो कि एक इंजन है नॉर्थन हेमिस्फीयर क्लाइमेट का वो काफी वीकेंड हो चुका है। इस हद तक कि ये जो है बहुत जल्द एक काफी बदलाव लाने वाला है वर्ल्ड के बेटर पे। क्लाइमेट मॉडल हैव शोन दैट द AMOC इज एट इट्स वीकेस्ट इन मोर देन 1000 ईयर। और जो क्लाइमेट मॉडल है ये शो कर रहा है कि जो AMOC है अटलांटिक मेरिडोनियल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन ये अपने वीकेस्ट लेवल पे है मोर देन 1000 ईयर पे। However, it had not been known whether the weakening is due to change in circulation or is it to do with the loss of stability. लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि ये जो weakening हुआ है ये change in circulation के कारण हुआ है या loss of stability के कारण हुआ है। Atlantic Meridional Overturning Circulation. The Atlantic Meridional Overturning Circulation AMOC is a large system of ocean current that carry warm water from the tropic northward into the Atlantic. जो आपका AMOC है ये एक लार्ज सिस्टम है ओशियन करंट का जो कि कैरी करता है वार्म वाटर को ट्रॉपिक नॉर्थवर्ड से नॉर्थन अटलांटिक की तरफ। ये काम कैसे करता है? द AMOC इज ए लार्ज सिस्टम ऑफ ओशियन करंट लाइक ए कन्वेयर बेल्ट ड्राइवन बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सॉल्ट कंटेंट द वाटर डेंसिटी। जो AMOC है ये लार्जली सिस्टम ऑफ ओशियन करंट है जैसे कि आपका कन्वेयर बेल्ट हो गया जिसको ड्राइवन किया गया है डिफरेंस इन टेम्परेचर और सॉल्ट कंटेंट के कारण वाटर के डेंसिटी के कारण। एज वार्म वाटर फ्लोट्स नॉर्थवर्ड इट कूल्स एंड सम इवेपोरेशन ऑकर्स विद इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट। जैसे ही वार्म वाटर फ्लो करता है नॉर्थ की तरफ ये कूल होता है और कुछ इवेपोरेशन होता है जिस कारण जो सॉल्ट का कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। लो टेम्परेचर एंड हाई सॉल्ट कंटेंट मेक द वाटर डेंसर एंड दिस डेंस वाटर सिंक डीप इन टू द ओशियन। और जो लो टेम्परेचर होता है और हाई सॉल्ट कंटेंट होता है वो इस वाटर को और ज्यादा डेंस कर देता है और ये डेंसर वाटर सिंक करता है डीप ओशियन के अंदर। द कोल्ड डेंस वाटर स्लोली स्प्रेड साउथवर्ड सेवरल किलोमीटर बिलो द सर्फेस। और जो कोल्ड डेंस वाटर होता है वो स्लोली स्प्रेड करता है साउथ की तरफ सेवरल किलोमीटर तक सर्फेस के बिलो से ही। इवेंचुअली इट गेट पुल बैक टू द सर्फेस एंड वार्म इन ए प्रोसेस कॉल्ड अपवेलिंग एंड द सर्कुलेशन इज कम्प्लीट। अब इवेंचुअली क्या होता है ये वापस से पुल बैक होता है सर्फेस की तरफ वार्म होता है एक प्रोसेस में अपवेलिंग इसी को कहते हैं और ये सर्कुलेशन कम्प्लीट हो जाता है। What if the AMOC collapse? क्या होगा अगर ये AMOC collapse कर जाए तो? If the AMOC collapse, it would increase cooling of the northern hemisphere, sea level rise in the Atlantic, and overall fall in precipitation over Europe and North America, and the shift in monsoon in South America and Africa. अगर AMOC collapse कर जाता है तो इंक्रीज कर देगा कूलिंग नॉर्थन हेमिस्फीयर का, सी लेवल राइज हो जाएगा अटलांटिक में और ओवरऑल प्रेसिपिटेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा यूरोप और नॉर्थन अमेरिका पे और एक शिफ्ट देखा जाएगा मॉनसून में साउथ अमेरिका और अफ्रीका पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना। जो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना है हम इसके बारे में जानेंगे। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च पीएम दक्ष पोर्टल एंड ऐप टू मेक द स्किल डेवलपमेंट स्कीम एक्सेसिबल टू द टारगेट ग्रुप ऑफ बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट एंड सफाई कर्मचारी। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पीएम दक्ष प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना को पोर्टल और ऐप के माध्यम से ताकि वो स्किल डेवलपमेंट स्कीम को एक्सेसिबल बना सके टारगेट ग्रुप ऑफ बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट और सफाई कर्मचारी के लिए। हम इस स्कीम के बारे में जानेंगे। द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फ्रॉम द ईयर 2020-21। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा 2020-21 से। तो कौन सा मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करता है ये इम्पोर्टेंट है। अंडर द स्कीम एलिजिबल टारगेट ग्रुप आर बीइंग प्रोवाइडेड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन अप स्किलिंग रीस्किलिंग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस स्कीम के अंतर्गत जो एलिजिबल टारगेट ग्रुप है उनको प्रोवाइड किया जाता है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को अप स्किलिंग रीस्किलिंग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? तो मार्जिनलाइज पर्सन ऑफ SC OBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस डी नोटिफाइड ट्राइब सैनिटेशन वर्कर
including waste picker, manual scavenger, transgender and other similar category. जो marginalized person है SC, OBC व economically backward class के, denotified tribe, sanitation worker जिसमें कि waste picker, manual scavenger आते हैं, transgender और other similar category के person को इसमें include किया गया है. Significance क्या है इसका, जरूरत क्यों पड़ा ऐसे scheme का. So most of the person of target group are having minimal economic asset. Therefore, provision of training and enhancing their competencies is essential for economic empowerment and upliftment of this marginalized target group. जो ज्यादातर पर्सन है टारगेट ग्रुप का, उनका मिनिमम इकोनॉमिक एसेट होता है, इसी कारण प्रोविजन काफी जरूरी है ट्रेनिंग और इनहेंस करने के लिए उनके कम्पिटेंसी को, इकोनॉमिक इम्पावरमेंट के लिए और अपलिफ्टमेंट के लिए इस मार्जिनलाइज टारगेट ग्रुप का. बहुत सारे जो पर्सन है टारगेट ग्रुप के वो बिलोंग करते हैं कैटेगरी में रूरल आर्टिसियन के, जो कि काफी मार्जिनलाइज होते हैं बेटर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो. देयर इज ऑल्सो ए नीड टू एम्पावर द वुमेन अमंग द टारगेट ग्रुप हु ड्यू टू देयर ओवरऑल डोमेस्टिक कंपल्सन कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन वेज एम्प्लॉयमेंट विच नॉर्मली इन्वॉल्व लॉन्ग वर्किंग आवर एंड समटाइम्स माइग्रेशन टू अदर सिटीज. और जरूरत है इम्पावर करने का वुमेन को भी टारगेट ग्रुप में, क्योंकि डोमेस्टिक कंपल्सन जो होता है इस कारण वो नहीं इन्वॉल्व हो पाती है वेज एम्प्लॉयमेंट में, और नॉर्मली उनको इन्वॉल्व किया जाता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए और कभी कभी माइग्रेट भी करना पड़ता है अदर सिटीज में. नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, पीआईबी का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. हम जानेंगे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉमिनेटेड श्रीमती रेखा शर्मा एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फॉर अनदर टर्म ऑफ 3 ईयर. तो कौन बनी है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के चेयरपर्सन अनदर 3 ईयर्स के लिए, वह कितने साल के लिए बनी, वह कौन बनी है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है श्रीमती रेखा शर्मा को चेयरपर्सन के पोस्ट पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का अनदर 3 ईयर्स के लिए. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द NCW इज द स्टेटूटरी बॉडी जनरली कंसर्न विद द एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन. द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये एक स्टेटूटरी बॉडी है, ये जनरली कंसर्न रखता है, एडवाइज करता है गवर्नमेंट को सारे पॉलिसी मैटर को जो कि अफेक्ट करता है वुमेन को. इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 31 जनवरी 1992 अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द 1990 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट. और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 31 जनवरी 1992 पे, जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अनुसार, जिसको कि डिफाइन किया गया था 1990 के नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट पे. द फर्स्ट हेड ऑफ कमीशन वाज जयंती पटनायक, और जो पहला हेड थी इस कमीशन की वो जयंती पटनायक थी. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन स्पेसिफिकली मेड टू फेवर वुमेन इंस्ट्रिंसिकली. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये नहीं कंटेन करता है कोई भी ऐसा प्रोविजन को जो कि स्पेसिफिकली फेवर करने के लिए बनाया गया हो वुमेन को इंट्रिंसिकली. आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड वुमेन, दे आर मोर जेंडर न्यूट्रल. तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए है सेफ गार्ड को वुमेन का, ये जो है जेंडर न्यूट्रल, इसको आप नहीं कह सकते कि सिर्फ वुमेन को फेवर के लिए बनाया गया है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का कि ये रिप्रेजेंट करें जो राइट है वुमेन का भारत में और प्रोवाइड करें उनको एक वॉइस इश्यू के लिए उनका और उनका कॉन्सर्न को लेके. द सब्जेक्ट ऑफ देयर कैंपेन हैव इंक्लूडेड डॉरी, पॉलिटिक्स, रीजनल रिलीजन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन जॉब एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ वुमेन फॉर लेबर. जो सब्जेक्ट जो है इस कैंपेन का नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का वो इंक्लूड करता है डॉरी को, पॉलिटिक्स को, रिलीजन को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को वुमेन का जॉब में, और जो एक्सप्लोटेशन होता है वुमेन का लेबर के लिए इन सबको इंक्लूड करता है. यहाँ पे डिस्कस किया जाता है जो पुलिस अब्यूज भी किया जाता है वुमेन के खिलाफ उसके बारे में भी कहा गया है. कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसका कंपोजिशन क्या होगा, तो ये जो कमीशन है वो कंसिस्ट करेगा एक चेयरपर्सन को जो कि देखेगा काउज को वुमेन का, जिसको कि नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. 5 members टू बी नॉमिनेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग्स पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन लॉ और लेजिस्लेशन, ट्रेड यूनियनिस्ट, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री पोटेंशियल ऑफ वुमेन, वुमेन वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर. और 5 member होंगे जिसको नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि पर्सन होंगे एबिलिटी, इंटेग्रिटी और स्टैंडिंग के, जिनको एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ और लेजिस्लेशन का, ट्रेड यूनियनिज्म का, मैनेजमेंट का, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल ऑफ वुमेन का, वुमेन वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जैसे कि वुमेन एक्टिविस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर का नॉलेज हो जिनको. Provided that at least 1 member is self from amongst person belonging to scheduled caste and scheduled tribes respectively. अब प्रोवाइड किया गया कि एटलीस्ट 1 member होना चाहिए हर एक कैटेगरी का, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का.
powers of NCW. क्या power दिया गया है National Commission for Women को? Provide consultation on all major policy matters that affect women. ये provide करेगा consultation को सारे major policy matter को लेके जो कि affect करता हो women को. Issuing summon for the examination of document and witnesses. Issue कर सकता है summon को examine करने के लिए document को और witnesses को. It has the power to make any public record. इसका power है कि वो कोई भी public record को देख सकता है. Receiving evidence on affidavit. Receive कर सकता है evidence को affidavit पे. Discovery and production of document. Discovery कर सकता है, produce कर सकता है document को. Summoning and enforcement. Summon कर सकता है और enforce कर सकता है. Function क्या है National Commission for Women का? तो presentation of report. सबसे पहले तो ये presentation करता है report का. जो table report है उसको submit किया जाता है central government के पास हर एक साल. जहां पे कमीशन जो है वो फिल करते हैं अप्रोप्रिएट को. ये जो रिपोर्ट है फंक्शनिंग के बाद वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड के बारे में बताता है. इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन. देयर शुड बी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉ. दिस इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन. ये इन्वेस्टिगेट करता और एग्जामिन करता है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन होना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के अदर लॉ के लिए. ये रिलेटेड है प्रोटेक्शन के लिए जो अधिकार है वुमेन का उनका. रिव्यू ऑफ लॉ. कॉन्स्टेंटली ऑल लॉ आर रिव्यूड एंड स्क्रूटिनाइज एंड नेसेसरी अमेंडमेंट एंड अल्टरेशन आर मेड टू मीट द नीड ऑफ करेंट वर्ल्ड. इसका फंक्शन रिव्यू करना भी है लॉ का. सारे लॉ जो है उसको रिव्यू किया जाता है और स्क्रूटिनाइज किया जाता है कॉन्स्टेंटेंटली. और जो नेसेसरी अमेंडमेंट व अल्टरेशन है वो किया जाता है ताकि पूरा किया जा सके जो नीड है करेंट वर्ल्ड का. केसेस ऑफ वायलेशन. इंश्योर देयर इज नो वायलेशन अगेंस्ट वुमेन एंड टेकिंग योर केयर ऑफ सच केस. ये इंश्योर करता है कि कोई भी वायलेशन नहीं होना चाहिए वुमेन के खिलाफ और वो ध्यान रखता है इस टाइप के केस को. स्वो मोटिव नोटिस यानी कि वो खुद से नोटिस भी करता है. वो खुद से ध्यान करता है कंप्लेन का. और स्वो मोटिव मैटर पे डिप्राइवेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन की बात जहां आती है वहां पे खुद से एक्शन लेता है. इम्प्लीमेंट करता है लॉ को जो कि फेवर कर रहा हो वेलफेयर को वुमेन का. इवेल्युएशन ये इवेल्युएट करता है सारे डाटा को. ये एक्सेस करता है डेवलपमेंट को प्रोग्रेस का वुमेन के कम्युनिटी का सेंटर और स्टेट लेवल पे. स्पेशल स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेशन. तो स्पेशल स्टडी और इन्वेस्टिगेशन है ये मदद करता है समझने में जो लिमिटेशन है इस सिस्टम का और कर्व करने में स्ट्रेटेजिक प्लान और मैकेनिज्म को. जो पावर है एनसीडब्ल्यू का ये कॉन्क्रीट पावर नहीं है. एनसीडब्ल्यू जो है वो रिकमेंडेटरी रोल निभाता है. इसका कोई भी पावर नहीं है कि ये इन्फोर्स करवा सके अपने डिसीजन को. ये जो है सिर्फ एक्शन ले सकता है अगर इश्यू जो है वो लाइट में हो तभी. लीगल पावर इसके पास क्या है? The commission lack constitutional status and thus has no legal power to summon police officer or witnesses. Commission के पास constitutional status नहीं है क्योंकि ये एक statutory body है. इसी के कारण इसके पास कोई भी legal power नहीं है summon करने का police officer को या witness को. Funding जो है काफी कम है इसके पास. National Commission of Women जो है वो function करता है dependent करता है grant के ऊपर जो कि offer किया जाता है central government के द्वारा. और जो financial assistance provide किया जाता है इस commission को काफी कम है cater करने के लिए इसके जरूरत के अनुसार. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी होता है. इसके कोई भी पावर नहीं है कि वो चूज कर सके खुद के मेंबर को खुद से. ये भी एक प्रॉब्लम है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दारा सिको 1615 टू 1659. हम जानेंगे दारा सिको के बारे में कि ये न्यूज में क्यों आया फिर दारा सिको क्या कौन थे. तो द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ मुगल प्रिंस दारा सिको रिमेन्स अ मिस्ट्री विद द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेइंग इट हैज नॉट लोकेटेड द ग्रेव विद इन द हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स. जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है मुगल प्रिंस दारा सिको का वो अभी भी एक मिस्ट्री बनकर रह गया है क्योंकि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI उन्होंने कहा है कि ये लोकेटेड नहीं है इनका ग्रेव हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स पे. दारा सिको हुआ जो मुगल एम्परर शाहजहां सन एंड एक्सपेक्टेड हियर वॉज किल्ड ऑन ऑर्डर ऑफ हिज ब्रदर औरंगजेब इन 1659 आफ्टर लूजिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन. दारा सिको जो कि मुगल एम्परर शाहजहां के बेटे थे और उनके एक्सपेक्टेड हेयर भी थे उनको मार दिया गया था ऑर्डर पे उनके ब्रदर औरंगजेब का 1659 पे जब वो हार गए थे वॉर ऑफ सक्सेशन को. तो दारा सिको किनके बेटे थे किसने इन्हें मरवाया ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ही वॉज द इल्डेस्ट सन एंड हेयर अपेरेंट ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां. वो इल्डेस्ट सन थे और हेयर अपेरेंट थे मुगल एम्परर शाहजहां के. दारा वॉज डेजिग्नेटेड विद द टाइटल पासादा बुजुर्ग मर्तबा प्रिंस ऑफ हाई रैंक एंड वॉज फेवर एज ए सक्सेसर ऑफ हिज फादर एंड हिज ओल्डर सिस्टर प्रिंस जहानर बेगम. जो दारा थे उनको डेजिग्नेट किया गया था टाइटल पास सरजादा ई बुजुर्ग मर्तबा का टाइटल उपाधि दिया गया था उनको जिसका मतलब है प्रिंस ऑफ हाई रैंक. और उनको फेवर किया गया था एक सक्सेसर के तौर पर उनका पिताजी के बाद उनकी ओल्डर सिस्टर के बाद प्रिंसेस जहानारा बेगम के बाद इन्हीं को सपोर्ट किया गया था. इन द वॉर ऑफ सक्सेशन विच इंश्योर आफ्टर शाहजहां इलनेस इन 1657 दारा वॉज डिफीटेड बाई हिज यंगर ब्रदर प्रिंस मुसुद्दीन औरंगजेब.
जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, जो कि इंश्योर कर रहा था शाहजहां के इलनेस के बाद 1657 में दारा को हरा दिया गया था उसके यंगर ब्रदर प्रिंस मुहिद्दीन के द्वारा, जिनको कि हम औरंगजेब के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1659 ऑन औरंगजेब ऑर्डर इन ए बिटर स्ट्रगल फॉर द इंपीरियल थ्रोन, और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1659 में औरंगजेब के ऑर्डर पे एक बिटर स्ट्रगल के दौरान इंपीरियल थ्रोन के लिए। तो जो दारा सिखों का लीगेसी हम इसको जानेंगे। दारा वाज ए लिबरल माइंडेड अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एज अपोज टू ऑर्थोडॉक्स औरंगजेब। दारा जो था वो एक लिबरल माइंडेड अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, जबकि आपका औरंगजेब जो था वो काफी ऑर्थोडॉक्स था। ही ऑथर द वर्क द कन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज विच आर्ग्यू फॉर द हार्मोनी ऑफ सूफी फिलोसफी इन इस्लाम एंड वेदांता फिलोसफी इन हिंदुइज्म। उन्होंने ऑथर किया था वर्क जो था उनका कन्फ्लुएंस ऑफ टू सी, उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था कि एक हार्मोनी होना चाहिए सूफी फिलोसफी इन इस्लाम और वेदांता फिलोसफी इन हिंदुइज्म के बीच में। इट वॉज दारा सिको हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द उपनिषद अवेलेबल टू द वेस्ट एज ही हैड देम ट्रांसलेटेड। और ये दारा सिको थे जिन्होंने जो कि रिस्पॉन्सिबल थे उपनिषद को अवेलेबल कराने के लिए वेस्ट में, क्योंकि उन्होंने ही इनको ट्रांसलेट करवाया था। ही हैज कमीशन ए ट्रांसलेशन ऑफ योगा वशिष्ठा, और उन्होंने कमीशन किया था एक ट्रांसलेशन योगा वशिष्ठा का भी। और ग्रेट पैट्रोन ऑफ आर्ट ही वॉज ऑल्सो मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स फिलोसफी एंड मिस्टिसिज्म रेदर देन मिलिट्री परस्यूज, और वो एक ग्रेट पैट्रोन थे आर्ट के, वो काफी इंक्लाइन थे फिलोसफी की तरफ और मिस्टिसिज्म की तरफ, ना कि मिलिट्री परस्यूज में ज्यादा उनका झुकाव था। द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज दारा सिखो प्रिवेल्ड ओवर औरंगजेब हैज बीन अ मैटर ऑफ सम कंजेक्चर अमंग हिस्टोरियन। और जो कोर्स है हिस्ट्री का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहां पर दारा सिखो प्रिवेल करते हैं औरंगजेब के ऊपर, ये एक मैटर है कंजेक्चर का कुछ हिस्टोरियन के बीच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP फोर्स। हम जानेंगे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के बारे में। ITBP हैज कमीशन इट्स फर्स्ट टू वुमेन ऑफिसर प्रकृति एंड दीक्षा इन कॉम्बैट रिसेंटली। जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है उन्होंने कमीशन कर लिया अपना पहले दो वुमेन ऑफिसर प्रकृति और दीक्षा को कॉम्बैट में रिसेंटली। तो किस दो वुमेन ऑफिसर को किस फोर्स ने कमीशन किया, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो प्रकृति और दीक्षा को ITBP ने कमीशन किया है कॉम्बैट के फील्ड पे। ITBP को ने स्टार्ट कर दिया था रिक्रूटिंग वुमेन का कॉम्बैट ऑफिसर के तौर पे 2016 में ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से, जिसको कि कंडक्ट किया जाता है UPSC के द्वारा। उन्होंने कॉम्बैट वुमेन को सिर्फ कांस्टेबलरी रैंक में इसके पहले रखा था। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है वो एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जो कि फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इट इज इंडियाज प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स बॉर्डर विद चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। और ये इंडिया का मेनली बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉर्डर करता है चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को। कंस्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992। और जो कंस्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट था इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992, उसके माध्यम से इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइलैंड ऑफ एविया। तो हम जानेंगे जो आइलैंड ऑफ एविया है इसके बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूबोया, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीक आइलैंड इन एरिया। जो आइलैंड ऑफ एविया है इसको हम यूबोया के नाम से भी जानते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीक आइलैंड है इस एरिया का। तो कहां पर ये, तो ग्रीक का आइलैंड है, ग्रीक के पास है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम बोयोटिया इन मेनलैंड ग्रीस बाय नैरो ऑफ यूपेरस स्ट्रेट। ये सेपरेटेड है बोयोटिया मेनलैंड ग्रीस से नैरो यूपेरस स्ट्रेट के माध्यम से। तो किस स्ट्रेट के माध्यम से ये सेपरेटेड है, यूरोपस स्ट्रेट के माध्यम से। इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज ऑफ रेजिंग वाइल्ड फायर। और ये हाल ही में न्यूज में था रेजिंग वाइल्ड फायर के कारण, कि आप देख सकते हैं इस आइलैंड को। That's all for daily current affairs session. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.